नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल सोच सक्सेस यूपीएससी में। देखिए, करंट अफेयर्स की सीरीज़ में 2018 की इसमें लेकर आ रहा हूँ आपके लिए। 19 अगस्त को बीपीपीसीएस 2018 का एग्ज़ाम है, उससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, बहुत ही ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है, उसको मैं एक एक करके कंप्लीट करूँगा अगले 2 महीने के अंदर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। देखिए, चोगाम की बात करते हैं, चोगाम 2018। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यानी जो कॉमनवेल्थ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग जो हुई थी लंदन में 2018 की, उससे रिलेटेड ये टॉपिक है। यानी जो कॉमनवेल्थ जो चीफ थे, यानी जो उसके हेड्स थे, उनकी जो मीटिंग थी 2018 की, वो लंदन में हुई थी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यूनाइटेड किंगडम के लंदन शहर में 19-20 अप्रैल 2018 के मध्य आयोजित राष्ट्रमंडल देशों के प्रमुखों की शिखर बैठक चोगाम, जिसको बोलते हैं COGM, यानी कॉमनवेल्थ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शिरकत से वैश्विक राजनीतिक गलियारे में हलचल उत्पन्न हो गई थी। ऐसा इसलिए कहा गया था क्योंकि 2011, 13 और 15, याद रखिएगा, हर 2 साल में राष्ट्रमंडल देशों के प्रमुखों की बैठक होती है, और 2011, 13 और 15 में भारत ने शिरकत नहीं की थी, जिसकी वजह से ये लगता था कि भारत इंटरेस्टेड नहीं है इन सब चीज़ों में। और अचानक से जब नरेंद्र मोदी यहाँ पर अटेंड करने के लिए गए, तो एक हलचल मचना स्वाभाविक था। ठीक है, हम आगे देखते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि शिखर वार्ता की वर्ष 2011, 13 और 15 की बैठकों में भारतीय राष्ट्राध्यक्षों या शासक प्रमुखों ने दूरी बनाए रखी थी। ठीक है, देखिए, चोगाम 2018 की हम बात करते हैं। वर्ष 2018 के ये 25वें चोगाम में राष्ट्र प्रमुखों द्वारा एक न्यायपूर्ण, समृद्धशाली, धरणी एवं सुरक्षित भविष्य हेतु सामूहिक प्रयास संकल्प लिया गया। सम्मेलन का उद्देश्य, इसकी थीम क्या थी, साझे भविष्य की ओर, यानी टूवर्ड्स द कॉमन फ्यूचर, यानी सबका भविष्य अच्छे से हो। ठीक है, यानी सबके अच्छे दिन आए और सबके लिए फ्यूचर अच्छा हो, सही स्पष्ट हो जा रहा है, जिसके तहत साझी समस्याओं का साझा समाधान खोजने का जतन स्पष्ट होता है। इस मंच से छोटे राज्यों के हितों के सम्मान को पुनः दोहराते हुए सभी के विकास हेतु आपसी सहयोग एवं समर्थन मांगा गया। ठीक है, अब देखिए, अब इस पर बल दिया गया, आतंकवाद, साइबर अपराध, मानव दुर्व्यापार, पर्यावरणीय संकट आदि को साझी समस्याएं मानी गई, तथा इनसे निपटने हेतु साझी रणनीति की आवश्यकताओं को रेखांकित किया गया। इस सम्मेलन में निर्धारित लक्ष्यों एवं उन्हें प्राप्त करने की रणनीतियों पर विचार, रणनीति को 4 शीर्ष में प्रस्तुत किया गया, मतलब 4 टॉपिक हैं जिसके अंतर्गत ये सभी कंप्लीट किया गया। जैसे सबसे अधिक न्यायपूर्ण भविष्य, यानी सबको न्याय अच्छे से मिले, चाहे वो किसी भी धर्म, संस्कृति, निवास स्थान या जाति या लिंग का हो, सबको न्याय समान मिलना चाहिए, ये सबसे शीर्ष प्राथमिकताओं में से था, अधिक न्यायपूर्ण भविष्य। ठीक है, अगला देते हैं, अधिक समृद्धशाली भविष्य, यानी राष्ट्रमंडल के मंच पर परस्पर व्यापार को आर्थिक विकास का प्रेरक मानते हुए 2030 तक आपसी व्यापार को बढ़ाकर $2 ट्रिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया, आपसी विकास को और तीव्र बनाया जा सके। ठीक है, तीसरा पॉइंट देखते हैं, अधिक धरणी भविष्य, राष्ट्रमंडल के कई सदस्य द्वीपीय हैं जबकि कई समुद्र तटीय हैं, ऐसे में समुद्र से उत्पन्न लाभ एवं समुद्र के कारण जोखिम दोनों का ही स्तर काफ़ी उच्च है। ऐसे में जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों से बचाव हेतु मंच से जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौते के कड़ाई से परिपालन का आह्वान किया गया। ठीक है, अगला देखते हैं, अधिक सुरक्षित भविष्य, देखिए साइबर अपराध जैसे हो गया, रासायनिक हथियार, अतिवादी विचारधारा का विस्तार, मानव दुर्व्यवहार, बाल श्रम एवं शोषण, बाल सैनिक, बालात श्रम आदि को सुरक्षित भविष्य की राह में बाधक मानते हुए पर सामूहिक रूप से प्रयास करने की आवश्यकता पर बल दिया गया। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक टॉपिक और पॉइंट होता है, सभी सदस्य देशों में सभी के लिए कम से कम 12 वर्षों गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को सुरक्षित करने के संकल्प लिया गया। वर्ष 2011, 13 और 15 की बैठकों में दूरी बनाए रखने के पश्चात प्रधानमंत्री 2018 की बैठक में भाग लिया था। ठीक है, देखिए एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसमें कि पेरिस समझौते के कड़ाई से पालन का आह्वान किया गया, जैव विविधता के संरक्षण हेतु राष्ट्रमंडल ब्लू चार्टर को स्वीकृति प्रदान की गई। ठीक है, देखिए राष्ट्रमंडल क्या है, इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। देखिए, राष्ट्रमंडल 53 देशों का एक संगठन है, इस संगठन में 19 देश अफ्रीका से हैं, 7 देश एशिया से हैं, 13 देश अमेरिका एवं कैरिबियाई से हैं, 3 देश यूरोप तथा 11 देश पैसिफिक से हैं। संगठन के प्रमुख ब्रिटेन की महारानी होती हैं, परंतु चोगाम की 25वीं बैठक अप्रैल 2018 प्रिंस चार्ल्स को प्रमुख बनाए जाने की घोषणा की गई। यह संगठन परस्पर आर्थिक समृद्धि को बढ़ाने, लोकतंत्र को प्रोत्साहन एवं
विश्व शांति की स्थापना हेतु समर्पित मंच है। वर्तमान में विश्व की लगभग एक तिहाई यानी 2.4 बिलियन जनसंख्या इस देशों में निवास करती है। यह मंच विश्व की युवा जनसंख्या के 40% का प्रतिनिधित्व करता है। यहाँ की कुल जनसंख्या लगभग 60% 30 वर्ष से कम आयु की है। राष्ट्रमंडल की सकल जो राष्ट्रीय आय GNI है लगभग 10.7 ट्रिलियन डॉलर है। संयुक्त राष्ट्र की सकल सदस्यता का 25% राष्ट्रमंडल देश है। प्रत्येक 2 वर्षों में राष्ट्र प्रमुखों की बैठक होती है। इसकी पहली बैठक चौगाम वर्ष 1971 सिंगापुर में हुई थी। राष्ट्रमंडल का सचिवालय वर्ष 1965 में लंदन में स्थापित किया गया। वर्तमान में पैट्रिशिया स्कॉटलैंड इसकी महासचिव हैं, ठीक है, जिनकी भारत के कमलेश शर्मा के बाद स्थान ग्रहण किया था। भारत राष्ट्रमंडल के सकल जनसंख्या के 55% का अकेले नेतृत्व करता है। राष्ट्रमंडल देशों के मध्य सकल आंतरिक व्यापार में भारत 26% हिस्सेदारी करता है और राष्ट्रमंडल प्रमुखों की 26वीं बैठक 2020 में रवांडा में और 27वीं 2022 सामोआ में प्रस्तावित है। देखिए ये एक टॉपिक खत्म होता है, एक एक करके मैं लगभग कई टॉपिक इसमें लेकर आऊँगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।